एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाव। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है मास ट्रांसफर का सेकंड पार्ट। मास ट्रांसफर में हम लोगों ने देख लिया है कि आपका जो डिफ्यूजन के थ्रू किस तरीके से मास का ट्रांसफर हो सकता है। आज पिछले लेक्चर में भी हमने कहा था कि मास ट्रांसफर जो है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका तो क्या है कि डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा। दूसरा तरीका मास ट्रांसफर का क्या है कि वहां पे यूज होगा आपके कन्वेक्शन का। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो मास ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन ही है। ठीक है, तो अगर आपने डिफ्यूजन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, उससे काफी क्लियर हो जाएगा दिमाग में कि क्या होता है। अब देखिए, मास ट्रांसफर जैसे मैंने लिखा है, मोड्स ऑफ मास ट्रांसफर, जैसे पहले ही बताया कि मास ट्रांसफर करने के लिए दो तरीके हैं। पहला हो गया डिफ्यूजन और दूसरा जो आज का टॉपिक है वो है कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन का मतलब क्या हो गया? कन्वेक्शन का मतलब सीधा यही हो गया कि जब दो चीजें, दो लिक्विड्स, दो फ्लूइड्स आपस में मोशन में हो, मूवमेंट में हो, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है, वो कन्वेक्शन के थ्रू मास का ट्रांसफर कर पाएंगे। कन्वेक्शन के थ्रू मास का ट्रांसफर करेंगे। कन्वेक्शन का मतलब ही क्या है कि मोशन या मूवमेंट। अगर मूवमेंट हो रहा है, चर्निंग हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, तो मास ट्रांसफर किस तरीके से होगा? कन्वेक्शन के ही थ्रू होगा। लेकिन ये समझना बहुत बड़ी एक भूल है कि सिर्फ कन्वेक्शन से होगा। कन्वेक्शन से भी होगा, अगर मूवमेंट हो रहा है तो कन्वेक्शन से भी होगा, लेकिन कुछ जो ट्रांसफर होगा वो डिफ्यूजन के जरिए भी होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस चीज के जरिए क्लियर हुआ? ये एक जो आपका फिल्म थ्योरी होती है उसके बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जब मोशन में है, दो लिक्विड्स आपस में मोशन में है, तो मास ट्रांसफर जो है वो कन्वेक्शन के थ्रू भी होगा और कुछ जो है वो आपका डिफ्यूजन के थ्रू भी होगा। ये इसको दिखाने के लिए ये फिल्म थ्योरी से चीजें क्लियर हुई। हम इतनी ज्यादा फिल्म थ्योरी में डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक इंटायरली डिफरेंट चीज हो जाएगी, बट थोड़ा सा उसका उपयोग होगा यहाँ पे कि आप क्लियरली समझ सकें कि कन्वेक्शन के थ्रू किस तरीके से मास ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग नेक्स्ट डाली है, मास ट्रांसफर अक्रॉस फेज बाउंड्री। इसको समझना जरूरी है, कुछ हद तक आपको फिल्म थ्योरी के अंदर जाना पड़ेगा। फिल्म की बात यहाँ पे इनको करनी है, समझने का प्रयास करिएगा कि जब भी दो लिक्विड आपस में कॉन्टैक्ट में है, सपोज करिए फॉर इंस्टेंस हम बात कर रहे हैं एक्वस या वाटर की, और दूसरा कोई भी आप ऑर्गेनिक लिक्विड ले लीजिए, जैसे सपोज करिए हमने क्लोरोफॉर्म ले लिया, तो वाटर और क्लोरोफॉर्म जो है वो आपस में एक फिल्म बनाएंगे। समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे सपोज करिए ये एक्वस फेज है, यानी कि ये वाटर वाला फेज है, और इधर क्या है, ऑर्गेनिक फेज, यानी कि आपका जो क्लोरोफॉर्म वाला फेज है वो है। ठीक है, तो ये जब आपस में जब मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो उस समय क्या हो रहा होगा, जरा देखिए कि ये आपस में इस तरीके से जुड़े हुए होंगे एक पॉइंट पे, एक इसको हम लोग फेज बाउंड्री या इंटरफेज भी बोलते हैं। इस पॉइंट पे ये जो ब्लैक कलर की यहाँ पे हमने लाइन दिखाई है, ये क्या है, यहाँ पे ये दोनों लिक्विड आपस में कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, पहले इतनी बात समझ ली, इस पॉइंट पे आपस में ये दोनों लिक्विड कॉन्टैक्ट में है, बट इसके बगल में इधर और इसके साइड में इधर, दोनों ही तरफ एक फिल्म सी बन जाती है। किसकी फिल्म? ये एक्वस फेज की फिल्म बनेगी और इधर ऑर्गेनिक फेज की फिल्म बनेगी। बात समझ में आ रही होगी। बीच में मैंने कहा कि फेज बाउंड्री बनी जहां पे दो लिक्विड कॉन्टैक्ट में है, और इस तरफ उसके एक्वस फिल्म बनेगी, इस तरफ उसके ऑर्गेनिक फिल्म बनेगी। अब कहने का तात्पर्य क्या, इतनी बात बताने का मकसद क्या हुआ यहाँ पे? मकसद सिर्फ इतना हुआ कि इस फेज बाउंड्री पे, इस फेज बाउंड्री के जो इस साइड और इस साइड जो है, ये जो ट्रांसफर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू होगा। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू होगा, यहाँ पे जो है कन्वेक्शन जो है वो काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रही होगी, ये कन्वेक्शन इस पॉइंट पे काम नहीं करेगा। जो भी ट्रांसफर हो रहा होगा वो किस तरीके से हो रहा होगा, इधर डिफ्यूजन के थ्रू होगा। तो ये पॉइंट जो है, ये लाइन जो है बीच में, ये इक्विलिब्रियम को शो करती है, यानी कि इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बना रहता है और ये स्ट्रैग्नेंट रहती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि टू फेजेस जो है बाहर की तरफ दोनों टर्बुलेंस में रहेंगे, और मीटिंग पॉइंट ऑफ टू फेजेस जहां पे है, जहां पे ये मीटिंग पॉइंट ऑफ टू फेजेस है, ये दो फेजेस आपस में मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे टर्बुलेंस जो है वो डाइज आउट,
टर्बुलेंस जो है वो खत्म हो जाता है इस पॉइंट पे। अब जाहिर सी बात है अगर टर्बुलेंस इस पॉइंट पे खत्म हो जा रहा है तो एक ही तरीका तो बचा कि ट्रांसपोर्ट किस तरीके से या एक मास का ट्रांसफर किस तरीके से होगा एक फेज से दूसरे फेज में। तो हमारे पास एक ही तरीका बचा, तरीका क्या है, वो डिफ्यूजन के जरिए। तो ये पॉइंट तो समझ में आ गया कि इस जगह यहां से यहां पे डिफ्यूजन के जरिए ट्रांसपोर्ट होगा। दूसरी चीज और एक चीज समझने की जरूरत है कि ये एक्वस फेज की ये जो फिल्म बनी और ऑर्गेनिक फेज की ये जो फिल्म बनी ये भी कंपैरेटिवली स्ट्रैग्नेंट ही होती हैं। इसके अंदर भी मूवमेंट या टर्बिडिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। तो यहाँ पर भी जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किस तरीके से होगा, आपका डिफ्यूजन के जरिए ही हो रहा होगा। तो यहां तक की जो ट्रांसपोर्ट है ये बल्क ट्रांसपोर्ट है, यानी कि टर्ब्यूलेंस, अगर कोई चीज मूव कर रही है तो यहां तक का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो टर्ब्यूलेंट होगा, यहां तक का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो टर्ब्यूलेंट होगा। इसके अंदर, इस लेयर के अंदर, फिर इस लेयर के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, वाय डिफ्यूजन होगा। यही चीज मैंने लिखी भी है, अगर टू फेजेस जो टर्ब्यूलेंस में है उसका कुछ ना कुछ पोर्शन अगर ट्रांसपोर्ट आप मास का ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं तो कुछ ना कुछ जो ट्रांसफर होगा वो डिफ्यूजन के जरिए होगा। और मीटिंग पॉइंट ऑफ टू फेजेस टर्बुलेंस डाइज आउट, ये यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, टर्बुलेंस डाइज आउट, टर्बुलेंस जो होता है वो कम खत्म हो जाता है एट मीटिंग पॉइंट। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो CA1, अगर एक किसी भी एक चीज को ट्रांसपोर्ट करवाना है, मान लीजिए ए है, वो उसका कंसेंट्रेशन A1 है, बल्क में A1 है, और उसके बाद हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। अब देखिए CA1I हो गया इंटरफेस पे, देख रहे हैं CA1I, यानी कि जो कंसेंट्रेशन था इंटरफेस में वो बदल गया बल्क से। और फिर अगर और आगे बढ़िए तो ये इस साइड में CA2I बन जाता है, CA2I बन गया इस साइड में, इस पॉइंट पे CA2I, मैंने लिखा भी हुआ है, मुझे अंदाजा नहीं है कि आपको दिख रहा है कि नहीं, ये CA2I है, इस पॉइंट पे जो कंसेंट्रेशन है, इस पॉइंट पे जो कंसेंट्रेशन है CA1I है, और उसके बाद जब बल्क में जाता है तो CA2 बन जाता है कंसेंट्रेशन, तो देख रहे होंगे। अब मैं आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये जो कंसेंट्रेशन इस एक साइड में इसके दूसरा है, दूसरे साइड में दूसरा है कंसेंट्रेशन, तो ये हम इस फेज को इक्विलिब्रियम में कैसे कह सकते हैं, जब एक साइड कंसेंट्रेशन दूसरा, एक साइड कंसेंट्रेशन दूसरा है, तो आप इस लाइन को इक्विलिब्रियम में कैसे कह सकते हैं। भाई ये इक्विलिब्रियम में सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप ये भी तो सोचिए कि जो ए, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है उस ए का सॉल्यूशन, जो सॉल्युबिलिटी है वो एक्वस फेज में दूसरी होगी और ऑर्गेनिक फेज के अंदर दूसरी होगी, इसीलिए CA1 का कंसेंट्रेशन दूसरा, CA1I का कंसेंट्रेशन दूसरा और CA2I का कंसेंट्रेशन दूसरा होने के बावजूद भी ये जो है फेज बाउंड्री जो है वो इक्विलिब्रियम में ही रहती है। तो इतनी बात समझ में आई होगी। तो अगर आप सोचिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, इधर से इस पॉइंट से आपको यहां तक कोई चीज लेके आनी है, तो आपको यहां से यहां तक में डिफ्यूजन का भी यूज करना पड़ेगा और साथ ही साथ कन्वेक्शन का भी यूज करना पड़ेगा। जब बल्क के थ्रू फ्लो हो रहा है तो कन्वेक्शन का, उसके बाद फिर डिफ्यूजन का, फिर डिफ्यूजन का, और फिर आपको कन्वेक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब मेरा बस इतना था। तो ये एक बेसिक आइडिया आपको हुआ होगा कि फिल्म थ्योरी क्या कहती है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि मास ट्रांसफर, अगर हमें टोटल मास ट्रांसफर की बात की जाए, जिसको मैं जितनी देर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, टोटल मास ट्रांसफर की अगर बात करूंगा तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि टोटल है तो वो कन्वेक्शन के थ्रू भी हो रहा होगा और तो और डिफ्यूजन के जरिए भी हो रहा होगा। कन्वेक्शन और डिफ्यूजन, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब अगर हमें एक्सप्रेशन एक निकालना है कि मास ट्रांसफर को अगर कन्वेक्शन के थ्रू अगर करना है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा जी, अगर यहां से यहां तक का हमें मास ट्रांसफर करना है तो क्या एक्सप्रेशन उसके लिए दिया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। तो अब आपने रेट ऑफ मास ट्रांसफर के बारे में पिछले ही लेक्चर में देखा था कि रेट ऑफ मास ट्रांसफर को हमने वहां NA से दिखाया था, ठीक है। NA मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ मास ट्रांसफर। यहां पर भी हम NA का ही यूज करेंगे, बट NA जो वहां का NA और यहां का NA थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा अंतर है, उसके बारे में अभी देखेंगे। यहाँ पे NA जो है क्या है, वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ मास ट्रांसफर है, ठीक है। वहां पर जब आपने NA देखा होगा तो आपने देखा भी था कि NA क्या है,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सरफेस एरिया क्या था उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मैं वहां की बात कर रहा हूँ, यानी कि डिफ्यूजन के जरिए। जब डिफ्यूजन में हम लोग देख रहे थे तो क्या था, एन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया के था और साथ में कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के था। यहाँ पे क्या है, कंसेंट्रेशन का डिफरेंस हो गया, ये ए इंटू कंसेंट्रेशन डिफरेंस है, समझ में आ गया। अब आपको पता है कि ये देखिए, ये ए जो है ये सरफेस एरिया नहीं है, ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया है। तो दो चीजें फर्क हुई, अभी उसके ऊपर थोड़ा सा एम्फेसिस डालेंगे। तो अगर हम जो कुछ हमने देखा उसको अगर समराइज करें तो एन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू कंसेंट्रेशन डिफरेंस, बात समझ में आ गई। तो एन ए अगर हम देखें तो एन ए क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ मास ट्रांसफर, यानी कि वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। जो पुराना एन ए था उसको भाई वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब से डिवाइड कर दीजिए। जब यूनिट की तरफ बढ़ेंगे तो और क्लियरली समझाएंगे इसको। अब ए पे आ जाइए, ये ए क्या है, जैसा मैंने बताया था अभी कि ये सरफेस एरिया नहीं है, वहां पे आपने इसको सरफेस एरिया पढ़ा था, यहाँ पे आप इसको क्या पढ़ेंगे जी, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ये सब क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मोशन में चीजें हैं, तो पूरे वॉल्यूम को कंसिडर करना है भाई, पूरे वॉल्यूम को कंसिडर करना है, इसीलिए यहाँ पे हर चीज वॉल्यूमेट्रिक हो जा रही है या स्पेसिफिक सरफेस एरिया हो जा रहा है, ठीक, समझ में आ रहा होगा। तो ए एरिया ना होकर के, सरफेस एरिया ना होकर के स्पेसिफिक सरफेस एरिया बन गया। अब अगर हम इसमें ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको हटा देंगे तो कोई ना कोई हमें कांस्टेंट जोड़ना पड़ जाएगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाइए और कांस्टेंट जोड़ दीजिए, जोड़ा क्या, के, के क्या हो गया, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ठीक है, या इसको कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी कहेंगे। तो अब ये के हो गया इनटू ए इनटू ये जो कंसेंट्रेशन का डिफरेंस था। अगर कंसेंट्रेशन की बात करें, सपोज करिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये सी ओ कर दीजिए, सी ए ओ कर दीजिए, यानी कि ओरिजिनल, और यहाँ पे कर दीजिए आप क्या, सी ए आई कर दीजिए, ठीक है, वन आई की जगह सी ए आई कर दीजिए। तो क्या किस तरीके से हो रहा है जरा देखते हैं। तो सी ए ओ क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ ए इन बल्क फेज, और सी ए आई क्या हो गया, कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट द इंटरफेस, इंटरफेस पे कंसेंट्रेशन जो है ये सी ए आई, यहाँ पे इस जगह पे समझ लीजिए सी ए आई है। तो हम जरा इसको समझते हैं, तो कंसेंट्रेशन ये सी ए ओ हमने यहाँ लिख दिया और सी ए आई लिख दिया, ये क्लियर हो गया होगा। तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए इन बल्क फेज, सी ए आई क्या हो गया, कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट इंटरफेस, के क्या हो गया, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। अब देखिए वहां पे भी हम लोगों ने जब बात की थी डिफ्यूजिविटी कांस्टेंट की, तो डिफ्यूजिविटी कांस्टेंट के बारे में भी हम लोगों ने बोला था कि ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो के है ये भी कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, फ्लो वेलोसिटी हो गया, ज्योमेट्री ऑफ मास ट्रांसफर सिस्टम, विस्कोसिटी एंड डिफ्यूजिविटी, ये पैरामीटर सारे के सारे दिए हुए हैं, किस किस के ऊपर आपका जो के है वो डिपेंड करता है, याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में उसको घुमा करके पूछ ले, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब जरा इसको ओवरऑल समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे ये एन ए रेट या वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ मास ट्रांसफर हो गया, के की बात करें तो के आपका मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट हो गया, स्मॉल ए क्या हो गया, हमारा स्पेसिफिक सरफेस एरिया हो गया, सी ए ओ माइनस सी ए आई दोनों कंसेंट्रेशन है, कहाँ कहाँ के, बल्क फेज में कंसेंट्रेशन ए का बल्क फेज में कंसेंट्रेशन और ए का ही इंटरफेस पे कंसेंट्रेशन सी ए आई हो गया, तो माइनस कर दिया तो ये वैल्यू आ गई साहब, चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा यूनिट्स की बात कर लें, हमेशा यूनिट्स को जरूर याद रखिएगा, वो आपके बहुत बढ़िया काम में आ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं समझ में आ रहा हो तो आप यूनिट्स को देख करके एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें किस तरीके से क्या करके हम इस आंसर तक पहुंच सकते हैं, या इस तरीके का यूनिट किस चीज का होगा एक अंदाजा लगा सकते हैं, तो ये जरूर समझिएगा। तो यूनिट्स में अगर एनए की बात करें, वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ मास ट्रांसफर है, वहां पे हम लोगों ने रेट ऑफ मास ट्रांसफर पढ़ा हुआ था, तो वहां पे मोल पर सेकेंड ही था, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा रिवाइंड करिए, मोल्स पर सेकेंड था रेट ऑफ मास ट्रांसफर। यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको, वॉल्यूम से बस सीधे डिवाइड कर देना है, वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यूब, तो मोल पर सेकेंड को मीटर क्यूब से डिवाइड कर दीजिए, मोल सेकेंड माइनस वन मीटर माइनस क्यूब माइनस थ्री सॉरी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ए का स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, ए का क्या कॉन्सेप्ट है, वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, तो मीटर स्क्वायर तो
सरफेस एरिया का हो गया, और डिवाइड कर दीजिए उसको मीटर क्यूब से, फिर से वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, मीटर माइनस वन। अब भाई ये कंसेंट्रेशन डिफरेंस जो था बाप पहले, वही कंसेंट्रेशन डिफरेंस यहाँ भी होगा, यानी कि मोल्स पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, मोल्स पर मीटर क्यूब हो गया। अब के की बात कर लीजिए, के का अगर हमें यूनिट निकालना है तो के का यूनिट कैसे निकालिएगा, के को एक जगह रख दीजिए, बाकी सारी की सारी चीजें एक जगह ले आइए, तो के इज इक्वल्स टू एन ए डिवाइडेड बाय ए इंटू सी ए जीरो माइनस सी ए आई इनिशियल जो है, तो अगर इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो गया, एन ए का तो हम लोग निकाल ही चुके थे, मोल्स सेकेंड माइनस वन मीटर माइनस थ्री, और नीचे से डिवाइड कर दीजिए किस से, ये ए जो है मीटर माइनस वन हो गया और बाकी मोल्स मीटर माइनस थ्री हो गया, तो ये मोल्स मोल्स कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर माइनस थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मीटर ऊपर चला जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपका जो इसका यूनिट है, के का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो गया कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर, या कन्वेक्शन के थ्रू मास ट्रांसफर किस तरीके से हो सकता है उसके बारे में, और थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको फिल्म थ्योरी के बारे में भी मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा, कन्वेक्शन के थ्रू मास ट्रांसफर और मास ट्रांसफर थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू, तो ये कम्प्लीट हो गया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं अब आप, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़िए, टेलीग्राम चैनल पे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती हैं। अभी अभी एक मॉक टेस्ट भी हम लोगों ने रिसेंटली कंडक्ट करवाया था बायोकेमिस्ट्री के ऊपर, आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।